एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग एक ब्लॉग बना रहे थे, उसी के बीच में फोन आ गया। हम लोग एक ब्लॉग बना रहे थे लेकिन उसी के बीच में ना मैंने देखा तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट, उसमें ना बहुत सारा कमेंट आए हुए थे कि कंसर्न्स थे लोगों के कि आप लोग ठीक हो कि नहीं हो। सुना है कि यूके में एक नया वायरस का नया वेरिएंट आया है और बहुत सारे कंट्रीज ने फ्लाइट कैंसिल कर दी यूके से, और ये सब सोच के जो लोग सब बहुत लोगों ने एक्सप्रेस किया उनके कंसर्न को। सो सबसे पहले तो भाई थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ने इतना प्यार है हमारे लिए कि आप लोग कंसर्न होते हो। सो रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोगों का वो कंसर्न है ना क्लियर करो, इधर क्या हो रहा है, अभी यूके का सिचुएशन क्या है, क्या क्या हो रहा है। और हमारे घर से दोनों के घर से भी कॉल आया था, कल पापा का कॉल आया मेरे घर से, इसी घर से मम्मी का कॉल आया। दोनों जने यही बोल रहे थे कि भाई मतलब क्या हो रहा है, मतलब बाहर निकलो मत, ज्यादा वो मत करो, और सुनने में लॉकडाउन हो गया फिर से, ये वो सब कंसर्न। हाँ, माँ बोल रहे थे अभी देखो न्यूज में आ गया, सामान कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम लोग भी जल्दी जाकर सब कुछ सामान ले लो। फिर अभी इसलिए मैंने सोचा सबके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। अभी आज का इसमें होगा इधर का ब्रेक्सिट और नया कोरोना वायरस, वो सबके बारे में, और इधर का स्कूल के बारे में सब कुछ होगा। बता दो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी क्या स्टेटस है उस पर बात करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो ये चीज हुआ है कि हम लोग जा रहे थे इंग्लैंड में, जहां हम लोग हैं वहां पे टीयर फोर स्टेटस है, और टीयर फोर का मतलब है कि आप लोग अपने फैमिली के अलावा कहीं किसी और फैमिली से मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, कोई बबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोगों को जितना एडवाइस दिया है टीयर फोर में जो भी है कि अपने अपने घर पर रहें, एक्सरसाइज के लिए आप बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर बाहर जा रहे हो तो किसी एक और हाउस होल्ड के एक बंदे से ही आप मिल सकते हो, आप किसी और से ऐसे मिलके नहीं कर सकते हो। सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। अभी चुंगसी का देखो, चुंगसी अंडर 17 में एथलेटिक्स खेल रहे हैं ना, उसके लिए परमिशन आउटसाइड में, आउटसाइड में ट्रैक में अंडर 18 के लिए परमिशन है, तो वो जा रहा है ट्रेनिंग के लिए उसका। लेकिन उसको भी ट्रेनिंग में भी जो वो है, मतलब उन्होंने प्रॉपर वो रखा हुआ है डिस्टेंसिंग का, मतलब जब ये आकाश जब दौड़ता है, चुंगसी जब दौड़ता है तो दूसरे जने उसके साथ में नहीं दौड़ते हैं। तो क्योंकि ट्रैक बहुत खुला हुआ है ना, 400 मीटर का ट्रैक है तो बहुत बड़ा है, तो दे कैन मेंटेन द डिस्टेंस क्वाइट इजीली, तो वो सब केयरफुली कर रहे हैं वो लोग उसमें भी। फिर दूसरा चीज था कि बहुत लोगों ने पूछा कि मतलब ये यूके का जो फ्लाइट्स है वो सब कैंसिल हो गई है, बहुत सारे कंट्रीज, अराउंड 40 कंट्रीज हैव कैंसिल फ्लाइट्स, तो क्या कंसर्न है, मतलब व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? तो रियल प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि कोई भी वायरस है ना, वो म्यूटेट होता है और वो किसी ना किसी वेरिएंट में आता है, वैसे कोविड-19 भी म्यूटेट होते रहता है वो हमेशा। तो उसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है, ऐसा जो यूके के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे पिछले जो केसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे अचानक, तो उन्होंने काफी एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया, और उससे ये साबित हुआ है कि जो वेरिएंट है नया वाला वो ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो दैट इज 60-70% मोर फास्टर इन ट्रांसमिशन, तो वो ज्यादा फैल रहा है, राइट? सो दैट इज द रियलिटी, दैट इज अ फैक्ट। नाउ क्या क्या चीजें हैं जो मैं और अंजू दोनों हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, बच्चों का स्कूल फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो पहले जो कोविड के टाइम में भी था तो स्कूल चल रहे थे हमारे, उस समय था पहले वाला कोविड है ना, बच्चे लोगों को इतना अफेक्ट नहीं करे, करे। अभी नया वायरस है ना, उनको थोड़ा सा वो लोग कन्फ्यूजन में है, बच्चे लोगों को ये कैसा अफेक्ट होगा, ज्यादा अफेक्ट होगा, तो उस पर स्टडी चल रहा है। तो जो बिल्कुल अभी है ना, इधर क्रिसमस वेकेशन चल रहा है, जनवरी 5 तक उनका वेकेशन है, लेकिन अभी बोल रहे सुनने में आया थोड़ा और शायद एक्सटेंड हो सकता है, करेंगे पता नहीं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये जो वायरस है ना, जिसका जो नया वेरिएंट है, उस वेरिएंट से क्या ये हर एज ग्रुप में इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? पहले जैसे कि तुमने बोला कि कोविड-19 जो था वो बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो स्कूल वगैरह खुले हुए थे यहाँ पे, लेकिन अभी ये पता नहीं है लोगों को, साइंटिस्ट को ये पता नहीं है कि बच्चों में इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि वो पता करके बताएंगे। अभी हर जगह ने न्यूज में पूरा यूके के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए लोग ज्यादा घबरा रहे हैं। हाँ, इसके पीछे जो है मतलब तीन कारण है जो मैं सोचता हूँ जो कि रीजन है, क्योंकि यूके में जो अभी 3 इवेंट ऐसे चल रहे हैं, राइट? वो तीन इवेंट क्या क्या है? सबसे पहले तो है कि ब्रेक्सिट चल रहा था यूरोप के साथ में, ईयू और यूके का जो ब्रेक्सिट टॉक्स है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो ट्रेड डील जो अभी तक नहीं हुई है, तो उसके कारण कुछ अफवाहें फैली हुई है कि भाई अगर नहीं हुआ, नो डील ब्रेक्सिट हुआ, तो आगे जाके कैसे होगा, मतलब जब सामान यूरोप से आना है तो क्या यहाँ पे
सामानों के दाम महंगे हो जाएंगे क्या, ग्रोसरी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्या, ये सब जो है कंसर्न एक है, फ्लोटिंग कंसर्न है। उसी की वजह से है ना, दो दिन पहले हम लोग शॉपिंग के लिए गए तो है ना मैक्सिमम सामान खाली हो गया था, लेकिन आज सुबह हम लोग आज का ब्लॉग के लिए कुछ कुकीज लेने के लिए गया, पूरा सामान था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो एक कंसर्न है लोगों के मन में कि मतलब सामान अभी खरीद के स्टॉक करके रख लें क्या, महंगा से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करके है लोगों के मन में। और दूसरा कारण यह है कि जो ये COVID-19 का जो वेरिएंट है उसके वजह से यूके और फ्रांस और ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके बॉर्डर लॉक कर दिए थे कुछ दिनों के लिए, अभी ओपन हो गया फिर से। तो वो क्या था कि उसकी वजह से भी एक कंसर्न था कि अरे भाई अगर सामान नहीं आएगा और यहाँ से वहां नहीं जाएगा तो कैसे होगा, राइट? सो दैट वाज आल्सो दिस काइंड ऑफ थिंग गोइंग अराउंड कि यार व्हाट विल इट इंपैक्ट अस एज ए, कि भाई ग्रोसरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी सब ओपन हो गया है, बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं, केवल उनको जो ड्राइवर्स हैं जो यहाँ से वहां जाते हैं और वहां से आएंगे उनको टेस्ट लेके जाना है, उनका कोविड नेगेटिव होंगे तो ही वो क्रॉस कर पाएंगे। दिस द ओनली क्राइटेरिया दे हैव पुट इन फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, बट बॉर्डर खुल रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। और तीसरा कारण क्या था कि यहाँ पे क्रिसमस था तो लोग आके नो, सब पहले तो ये बोला था गवर्नमेंट ने कि सब मिक्स हो सकते हैं, तीन फैमिली मिक्स हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी एक लास्ट मोमेंट में उन्होंने टियर 4 अनाउंस किया है, उसी में क्या है ना सब लोग थोड़ा शॉक हो गया है क्योंकि इधर के लोगों के हिसाब से है ना यूके में है ना क्रिसमस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मतलब अभी हमें हमारा इंडिया में बहुत सारा फेस्टिवल है ना, वो सब फेस्टिवल मिलकर इनके लिए एक फेस्टिवल है सब बोलो, क्योंकि इनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सबको इन लोग मिलने के मतलब फैमिली गेट टुगेदर जो बोलते हैं ना कि सब लोग रीयूनियन बोलते हैं, फैमिली रीयूनियन वो करते हैं लोग क्रिसमस में, वेट करते हैं लोग तो बाप के घर पे जाते हैं या मतलब पेरेंट्स के घर पे जाके बच्चे लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, टर्की वगैरह बनता है, मतलब बहुत सारा खाना वाना बनता है, तो लेकिन गवर्नमेंट जो भी सोचा है हमारा सेफ्टी के लिए सोचा है, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो टियर 4 हुआ बहुत अच्छा हुआ, वेरिएंट अगर इतना स्प्रेड हो रहा है तो भाई उसको तो काटना ही है, रोकना ही पड़ेगा, अगर इस समय सब लोग मिल गया तो है ना और भी ज्यादा होने का चांसेस है। ये क्रिसमस के टाइम में है ना इनका एक सेल होता है ना बॉक्सिंग डे सेल, उसी में ना इन लोग पूरा साल का कमाई इनको एक ही वही टाइम में, तो बॉक्सिंग डे सेल बहुत ही पॉपुलर सेल है यहाँ पे, मतलब दुनिया में बहुत जगह पे होता है लेकिन यहाँ तो बहुत ही पॉपुलर है। तो हम लोग लास्ट ईयर का ब्लॉग अगर है तो आपने देखा होगा, लास्ट ईयर है उसके पहले का भी, कि मैं भी गया था नेक्स्ट के सेल के लिए सवेरे 5:30 बजे लाइन में खड़े होकर, तो वो सब मतलब बहुत भीड़ लगता था और यू नो सारे दुकानों में सेल, चाहे वो कपड़े का हो, टॉयज का हो, जूते का हो, बापरे मतलब, और मतलब पूरा गली भरा हुआ लोग बाग सब एक ही, मतलब इतना ज्यादा भीड़, तो वो जो था उसको देखते हुए तो मतलब पक्का था कि मतलब उसको तो होने ही नहीं देना है। हाँ। तो ऑब्वियसली यू नो टियर 4 के अनाउंस के बाद में तो वो सब चला गया कम्प्लीटली, लोग थोड़ा निराश हो गया है, लेकिन सबका अच्छाई के लिए किया है क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेस हमारे एक्चुअली कुछ व्यूअर्स हैं, अंजू ने मेरे को कल कमेंट दिखाया था, तो हमारे कुछ यू नो डॉक्टर्स व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर हस्बैंड वाइफ दोनों बेचारे मतलब जो फ्रंट लाइन में है यूके में, और दोनों ही बेचारे अभी कोविड से वो हो गए, मतलब कोविड हुआ है दोनों को और यू नो अकेले मैनेज कर रहे हैं, तो मतलब वी रियली फील बैड कि मतलब टेस्को से ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवर हो रहा घर पे, बट स्टिल यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज अ बिग नाइटमेयर फॉर एनीबॉडी। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सब सोचते हैं कि भाई वो कैसे दिन डे आउट कर रहे हैं, तो मतलब दैट्स अनबिलीवेबल है। वही ये तो फेस्टिवल तो हर साल आएंगे, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सिर्फ इतना ही है पेरेंट्स के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। हाँ, बट लेकिन अच्छा है कि उनके लिए भी अच्छा है, मतलब स्प्रेड नहीं होगा तो वो लोग ज्यादा टाइम रहते हैं ना, वो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और मेरा कुछ व्यूअर्स ने पूछा है क्योंकि संतोष से ना ज्यादा मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं बोलती है कि तू बहुत एक्सप्लेन करते हो, ऐसे टीचर की तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको बहुत बेकार लगता है, ये बोलती है कि देखो सामने वाला बोर हो रहा है, आप बोर हो रहे हो ना तो सबसे पहले तो अभी लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर लो, क्योंकि ये तो बोलती है कि भाई तुम्हारा ये बकबक सुनते तुम एकदम टीचर बन जाते हो और ये कोई पसंद नहीं आता है इसको, आप कमेंट में जरूर लिखना मैं ये बकबक करता हूँ, जब पसंद नहीं आता तो बता देना भाई, शॉर्ट कर दूंगा मैं, जैसा आप एक्सप्लेन करते हो वही बोलता है, तो वो टीचर के नहीं करूंगा एक्सप्लेन। आप बताना ये अभी ये नया वायरस है ना वो डेंजरस है ज्यादा? ओके, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब जिसने भी पूछा है कि कोविड 19 जो ओरिजिनल वर्जन था उसका जो वायरस का, और जब नया वेरिएंट है वो ज्यादा
डिफरेंस है कि नहीं है। सो देखो भाई, ये तो पता है नहीं किसी को, अभी के हिसाब से तो ये जरूर पता है कि ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, ज्यादा जल्दी से फैल सकता है। सो दैट इज अ फैक्ट। पहले का वायरस क्या था, अभी हम लोगों को इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो हमारे अंदर रिजेक्ट करता था, बॉडी रिजेक्ट करता था उसको, लेकिन इसमें भी अब पता नहीं 100% हो सकता है कि कुछ बॉडी उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन ये जो है फैल बहुत जल्दी रहा है। वो फैल क्यों रहा है, कैसे फैल रहा ज्यादा, उसके पीछे भी रिसर्च है मतलब, लेकिन अभी बताऊंगा तो काफी सारा लंबा हो जाएगा, फिर ये बोलेंगे तुम टीचर की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन आंसर जो क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई अभी ये पता नहीं है कि ये जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक है कि नहीं, पता नहीं है। हम लोगों को भी है ना ये सब न्यूज में से ही पता चल रहा है। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये सब मैं बीबीसी देखता हूँ और सीएनएन देखता हूँ, इन सब से जो मिलता है नॉलेज उससे मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा कुछ व्यूअर्स को बहुत इच्छा है, मैं उनको जाकर लंदन लाइटिंग्स वो सब दिखाने के लिए, बिग बैन वो सब दिखाने क्रिसमस के लिए। लाइटिंग दिखाने हाँ, के लिए। लास्ट ईयर मैंने सब कुछ दिखाया था, बिग बैन लास्ट सर्कस। हाँ मतलब हमने काफी कवर, कार्नबी स्ट्रीट कवर किया था, कार्नबी स्ट्रीट में बहुत खूबसूरत बनाया था लास्ट ईयर, बहुत ही जबरदस्त याद है थीम सी क्रिएचर्स का था पूरा, द होल लंदन आई कवर किया, बाकी काफी सीए घुमाया था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार हम लोग इस बार बिल्कुल नहीं कर पाए, और स्टेशन में है ना पुलिस खड़ा हुआ है, और अब की बार जो है मतलब यू नो इट्स नॉट सेफ, अगर आप जा रहे हो तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, मतलब एक तो होता है कि खुद का रिस्क, और दूसरा है कि क्यों हम और भी फैलाएं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में भी अगर है ना कुछ देखा जाए तो कुछ एजेड लोग काफी है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर अस टू काइंड ऑफ कैरी समथिंग एंड नो आजू बाजू में भी फैल जाते, इसलिए एक थोड़ा सा कंसर्न से हमने नहीं किया क्यों, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा, ये सब ठीक हो जाए एक बार, तो जरूर फिर से करेंगे। मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलना है, आप लोग है ना पैनिक मत हो जाओ, सिर्फ इतना ही है, गवर्नमेंट ने हम लोग को जो भी बोला है वो फॉलो करो, मास्क पहन लो, हाथ धो लो, मास्क पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैं और श्रुति कॉफी पीने के लिए जाते हैं, सिर्फ हम दोनों ही मास्क पहनते, बाकी कोई भी मास्क बाहर मतलब रोड पे चलते वक्त यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है रोड पे, इसलिए बहुत जने नहीं पहनते, बहुत जने नहीं पहनते, लेकिन जब क्लोज डोर में जाते हैं, जब किसी दुकान के अंदर जाना होता है तो मैंडेटरी होता है, तो वो लोग पहनते हैं, तो बहुत सारे लोग पहनते भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, बच्चे लोग को लेकर आते हैं, नहीं पहनते, इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जो भी बोला वो रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, पैनिक मत हो जाओ, क्योंकि हर बीमारी का एक सोल्यूशन क्या है ना, हमारा इधर से सब कुछ है, हम लोग ब्रेव है तो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब ये जो मैं अंजू की बात 100% सहमत हूँ, और हमारे घर में सबसे स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग यही है, क्योंकि मैं छोटा मोटा भी अगर हो जाता तो मुझे शक हो जाता है कि अरे कहीं मतलब खांसी आ गई तो अरे यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये बोलती है नहीं तुम मेंटली स्ट्रांग रहो बाकी सब ठीक हो जाएगा, तो ये मामले में जो है हमारे मेंटल स्ट्रांग। एक दिन ऐसा हो गया था, एक दिन रात को मैं फिश करी बना रहे थे, उस समय कुछ जल गया, रात को पूरा मुझे हो गया थ्रोट में कुछ जे, मैं तब से मैं और चुंसी बोल रहे हैं आपको फिश कर, ये जल गया इसलिए आपको, नहीं 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 कुछ तो हो गया तुम, मैं उस दिन सोफा पे आके सो गए, नहीं नहीं मुझे इतनी हंसी आ गई, सुबह उठकर एकदम ठीक हो गया, परफेक्ट। हाँ, इसलिए ना हमेशा बहुत स्ट्रांग रहना, और जो प्रिकॉशन है वो लेना, उतना ये पैनिक मत हो जाओ, पैनिक हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। व्लॉग है ना मैं कल डाल दूंगी, थर्सडे को कल लाऊंगी ब्लॉग, और अभी आप लोगों का मुझे लगा ये जरूरी है आप लोगों को बताना, इसलिए ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद है तो लाइक करना भूलना नहीं, कमेंट करना भूलना नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।